गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। अब आज फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर है क्लास 12 का, उसकी हम लोग कुछ बातों को आगे बढ़ाते हैं। कुछ एक बातें हम पहले से आपको बता चुके हैं, अब अगले बात को किरचॉफ लॉ के साथ में हम आगे लेके जाएंगे। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे जो कि किसी भी सर्किट में हम करंट की कैलकुलेशन जो अननोन वैल्यू होगी उसको हमें निकालने में वो लॉ काम आते हैं। उन्होंने जो दो लॉ दिए थे उसमें पहला लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ के रूप में वो पहचाना जाता है, जिसकी लैंग्वेज या टाइटल ये जाएगा द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इज जीरो। यानी किसी जंक्शन पर मिलने वाली करंट्स का जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। अलजेब्रिक सम का मतलब है कि कुछ करंट पॉजिटिव ली जाएंगी, कुछ करंट निगेटिव ली जाएंगे। पॉजिटिव कौन सी लें, निगेटिव कौन सी लें, मान लीजिए जो जंक्शन पॉइंट है, रूलिंग ये चलती है कि जो जंक्शन की तरफ आ रही उनको एक साइन से ले लो यानी प्लस वाले से ले लो, तो जंक्शन के जो अवे जा रहे हैं उनको दूसरे साइन से ले लो मतलब माइनस वाले से ले लो। तो उसी हिसाब से चलते हैं, तो आई वन आई टू आई थ्री ये जंक्शन के तुरंत तरफ है तो इनको प्लस में ले लिया, और आई फोर अवे फ्रॉम द जंक्शन, आई फाइव अवे एंड आई सिक्स अवे, तो इनको हमने प्लस लगाए लेकिन अंदर इनका साइन कैसा हो गया, माइनस का हो गया। तो ये जो लैंग्वेज है उसी के बिहाव पे ये जो लाइन है ये उसी के हिसाब से होगी। अब अगर और आप सिंप्लीफाई करें तो आप पाएंगे कि निगेटिव वालों को राइट साइड दिए जाए, तो आप कह सकते हैं कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू आई फोर प्लस आई फाइव प्लस आई सिक्स। यानी इसको आप दूसरी लैंग्वेज में भी कहें तो क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ करेंट्स कमिंग टूवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। और इन ऑल शॉर्ट में कहें तो इसको क्या कह सकते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, वो चाहे कोई भी तरीके की हो, टूवर्ड्स और अवे वाले के हिसाब से प्लस और माइनस लगा लेंगे। क्योंकि हम करेंट के सम की बात कर रहे हैं कि आने वाली का सम बिल्कुल इक्वल टू होगा जाने वाली के सम के बराबर, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि करेंट चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब चार्ज जितना आया चार्ज उतना अवे हुआ यानी गया। इसका मतलब ये लॉ जो फर्स्ट है ये किसको होल्ड करता होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड करता होगा। तो यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि दिस लॉ होल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड द सेकंड वन इज द करंट्स टुवर्ड द जंक्शन आर टेकन विद पॉजिटिव साइन एंड द करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन विद निगेटिव साइन। तो इस तरीके की रूलिंग हम लोग लगा लेते हैं और इस तरीके में कोई इक्वेशन बना लेंगे। तो अब सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ या इसको लूप लॉ या इसको क्लोज मेश लॉ भी कह सकते हैं। इस लॉ में क्या बात कही गई है, द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर इन क्लोज मेश इज इक्वल टू द नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट। यानी किसी भी क्लोज मेश में या क्लोज कोई सर्किट हम देख लेंगे उसको मेश भी कह सकते हैं, तो किसी भी क्लोज मेश में हम क्या देखेंगे, आई और आर का प्रोडक्ट लेते जाएं जहां जाओ और उसका अलजेब्रिक सम दिखा दें। मान ले दो या तीन जगह है तो उसका अलजेब्रिक सम दिखा लें, यानी क्या वो प्लस आपस में हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसा सम इज इक्वल टू किसके चला देंगे, ईएमएफ ऑफ द सर्किट। यानी सर्किट में क्या सेल लगे हैं, अगर दो सेल लगे हैं तो हो सकता है ई1 प्लस ई2 हो रहा हो या ई1 माइनस ई2 हो रहा हो या फिर ई2 माइनस ई1 हो रहा हो, क्या होगा इसकी हम चर्चा एक अभी सर्किट को लेके उसमें हाउ टू अप्लाई दिस लॉ उसको हम उसमें अभी देख लेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक सर्किट ऑप्ट किया कि एक ऐसा सर्किट लिया जिसमें कि दो सेल है, एक ये ई1 लगा हुआ है विद रेजिस्टेंस आर1, एक बीच में AB वाले वायर के हिस्से में हमने एक सेल ई2 डाल दिया विद रेजिस्टेंस आर2 और थर्ड वाले में सिर्फ हमने एक रेजिस्टेंस ही डाल दिया R3। अब इसमें हमको ये चूज करना है कि जो डायरेक्शन है फ्लो का वो इसमें चूज करना होता है। ये आप पे अपना डिपेंड करता है कि आप चाहे तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन बनाए या क्लॉक वाइज डायरेक्शन बनाए, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें कोई इशू नहीं कि लेफ्ट ही बना है तो लेफ्ट ही बनाए, आप चाहे वो लेफ्ट बनाए आप चाहे वो राइट बनाए, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन चूज कर ले। अब उस चूज की हुई डायरेक्शन को जो फॉलो करेगा कौन सी वैल्यू, आई और आर वाली जो प्रोडक्ट है, अगर वो फॉलो करेगी उस डायरेक्शन को चुनी हुई डायरेक्शन, जैसे आपने ये डायरेक्शन मान लीजिए चूज करी, अगर आई और आर उसको फॉलो कर रहा है यानी ये भी उधर कोई फ्लो मिला और ये भी उधर कोई है, तो ये आई आर कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। अगर कहीं बाय द वे उल्टा हो गया कि मान लीजिए कि ये हमने इधर की डायरेक्शन पकड़ाई थी
और किसी जगह पे हमने तो ये डायरेक्शन पकड़ाई, लेकिन आई और आर का जो प्रोडक्ट जा रहा है वो इधर को जा रहा है, तो ये जान लीजिए कि अपोजिट हो गया। तो उस जगह पे क्या लेंगे, आई आर निगेटिव ले लेंगे। इसका मतलब जो आपकी कंसिडर की हुई डायरेक्शन है, अगर उसी डायरेक्शन में आई आर पड़ा तो पॉजिटिव, और अगर उससे कंसिडर की हुई डायरेक्शन से अपोजिट पड़ जाता तो आप निगेटिव लेंगे। पहली बात तो ये, तो उसी हिसाब से एल्जेब्रिक की बात आ जाएगी, एल्जेब्रिक सब। दूसरा हम कह रहे हैं कि ईएमएफ जो नेट होगा उसके बराबर बैठेगा, तो ईएमएफ की बात कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर आपने ये डायरेक्शन ले रखी है, तो अगर सेल में दो प्लेटें होती हैं, पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव प्लेट की अगर अवे निकल रहा है सर्किट, तो ई को कैसा लें, प्लस में। और कभी बाय द वे मान लीजिए अगर आपने वो राउंड नहीं लिया, मान लीजिए ये राउंड ले लिया, तो अगर निगेटिव प्लेट की अवे निकल रहा है, निगेटिव प्लेट की अवे रहा है, तो ई की वैल्यू निगेटिव। जरूरी नहीं कि आप उस राउंड पे भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर ये आपने सेल ऐसा ले रखा कहीं पे, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और मान लीजिए अगर वही डायरेक्शन आपने चुन रखी है, तो किस प्लेट को पार करके निकल रही है डायरेक्शन, वो निगेटिव को। तो जिस प्लेट को पार करके निकले, यानी वही आपको ई की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो सीधा सीधा हो गया मतलब क्या, कि जो आपने डायरेक्शन मानी है उसी डायरेक्शन को अगर आप देखते हुए कहें कि वो प्लस वाली प्लेट से अवे जा रही है, तो ई को प्लस में ले, अगर वो माइनस वाली प्लेट से अवे जा रही है तो ई को माइनस में ले, चाहे वो इस तरीके की सिचुएशन बने चाहे वो इस तरीके की सिचुएशन बने। आईआर में भी हमने क्या बताया कि जो आपने डायरेक्शन मानी है, अगर करंट की डायरेक्शन उधर ही की पड़ रही है तो आईआर पॉजिटिव, और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट पड़ रही है तो आईआर निगेटिव होता है। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखें इस सर्किट में पॉजिटिव प्लेट ये है, तो करंट I1 इससे मिली तो ये इधर की डायरेक्शन दिखाई, यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट ये है तो करंट I2 इससे मिली, वो इसे यहाँ की डायरेक्शन दिखाई, तो देखें ये जंक्शन पॉइंट हो गया, तो ये आने वाली करंट है और ये आने वाली करंट, तो जंक्शन के टुवर्ड्स आने वाली हमारे पास हो गई I1 प्लस I2, और ये क्या है, जंक्शन से आगे जा रही है जिसको हमने नाम दिया I3, तो I3 जंक्शन से आगे वाली है और I1 और I2 जंक्शन के टुवर्ड्स वाली है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, वही फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि सम ऑफ द करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी I3 को जब भी कहें तो I1 प्लस I2 कह पाएंगे। अब जरा सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, यही जो बातें समझाई थी उसी के आधार पे अब मेस वन में अप्लाई करते हैं। मेस वन इसको कह रहे हैं, इसको आप नंबर का भी, नाम का भी टाइटल दे सकते हैं। अगर आप डी से शुरू करते हैं तो डी पे ही एंड करें, जैसे डी ए बी सी ए इन द क्लोज सर्किट, डी ए बी सी ए, अगर डी से शुरू करते हैं तो डी पे ही एंड करें, अगर आप ए से शुरू करते हैं तो ए पे एंड करें, कैसे, इन द सर्किट ए बी सी डी ए, तभी उसको नाम के अनुरूप आप कह पाएंगे क्या है, क्लोज्ड है, या आप मेस नंबर डाल दिया करें। तो अप्लाई सेकेंड लॉ इन मेस वन, तो मेस वन में अप्लाई करते हैं, हमने देखी ये डायरेक्शन मानी, ये डायरेक्शन मानी, अब इस डायरेक्शन के हिसाब से देखिए करंट भी इधर की है, यानी I1 हमारी डायरेक्शन की ही तरफ पड़ गई है, तो I1 R1 पॉजिटिव रहेगा, यानी I1 R1। अब जरा देखें हम इधर मुड़ गए, यानी इधर मुड़ गए, हम इधर मुड़ आ रहे हैं तो करंट I2 लेकिन उधर है, अपोजिट डायरेक्शन हमारा, ये डायरेक्शन हुआ ये, लेकिन I2 का उधर हुआ यानी अपोजिट हो गया, तो I2 R2 कैसा हो गया, तभी निगेटिव हो गया, इज इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ ऑफ द सर्किट। अब देखो यहाँ पॉजिटिव से अवे जा रहा है, जब हमने अगर ये डायरेक्शन मानी है तो किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से अवे, तो E1 प्लस का, और यहाँ जब घूम के आ रहे हैं तो देखें किसके अवे जा रहे हैं, निगेटिव के अवे जा रहे हैं, तो E2 माइनस का, यानी E1 प्लस का था और E2 माइनस का था, तो क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2, इसको पहली इक्वेशन बोलते हैं। फिर अप्लाइंग सेकेंड लॉ इन मेस नंबर टू, यानी इस मेस टू में अप्लाई करें, या नाम दे दें ऐसे, इन द क्लोज मेस ए ई एफ बी ए वी अप्लाई किर्च ऑफ सेकेंड, और यह कहते हैं कि इन द मेस नंबर टू वी अप्लाई किर्च ऑफ सेकेंड लॉ। देखें अब इसमें भी अगर डायरेक्शन आप कहते हैं, आप ये माने क्या डायरेक्शन, आप ये माने जो आपने मानी उस डायरेक्शन को जो करंट फॉलो करेगी तो आई आर पॉजिटिव, नहीं फॉलो करेगी तो आई आर निगेटिव। तो देखें ये डायरेक्शन हमने मानी, इस डायरेक्शन को I2 देखो फॉलो कर रहा है, तो I2 फॉलो कर रहा है, यानी I2 R2 पॉजिटिव रहेगा ये, लेकिन यही जैसे हम घूम के इधर आ गए ये हमारी डायरेक्शन हो गई, लेकिन करंट की डायरेक्शन भी क्या है, देखें घूम के ये जो आ रही करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो हमारी भी डायरेक्शन यही है और करंट की भी डायरेक्शन ये, यानी I3 और R3 जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो देखें I2 पॉजिटिव था तो I2 R2 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू, इस सर्किट में देखें तो ये पॉजिटिव प्लेट के अवे जा रहे हैं और दूसरा सेल कोई लगे नहीं, तो सिर्फ E2 रहेगा, वो प्लस का ही रहेगा।
अब आई थ्री की वैल्यू हम जैसा बता चुके हैं कि आई वन प्लस आई टू के सम पे डिपेंड करती थी, तो आप वैसा देख लें आई थ्री की जगह आई वन प्लस आई टू, इस तरीके से इक्वेशन सेकंड में हम इसी तरीके के न्यूमेरिकलों में भी हम लोग बात करते हैं, जो डिजिट दी होती है वोल्टेज की या कोई करंट दी है कोई नहीं मालूम है या कोई रेजिस्टेंस दी है, ऐसे करके ये दो इक्वेशन तीन इक्वेशन जो भी बनती है हम लोग बना लेते हैं, फिर उनको हम लोग जैसे क्लास टेंथ में आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके आए हो उसी तरीके से सॉल्व करके जो अननोन वैल्यू होगी करंट की या करंट मालूम है रेजिस्टेंस की, तो उस वैल्यू को हम लोग इससे कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये बेसिकली देखा जाए तो किरचॉफ्स लॉ का बहुत बड़ा यूज है किसी भी सर्किट में अननोन करंट को निकालने के लिए। दूसरी बात है कि ये ध्यान रखें कि जो सेकेंड लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है, तो फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड करता है और सेकेंड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। ओके, अब आप इस क्लिप को देखें, अगर आप बेहतर समझते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाले वक्त में हम मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और कुछ इसी तरीके की बातों को हम आगे ले जाते हुए फिर मेरे गुरु को इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।